I make it fair too. I'm regularly not for y'all. None of it matter at the end of all. Offended be seeing the cause. Jumping to go to the mental state of the fuck with none. Y'all see it's a phase. See it's a way of playing. How to seek it. Hello, what's up everyone? 8-Bit Smoke here. Today I'm gonna give some tips for the newly buffed fisherman. And if you guys know the tips already, do let me know in the comments. And let's get into work. Yes, I will be showing you one photo. Pause the video right now and take the screenshot of it, and it will help you to place your fisherman. तो गाइस पहले का कार्ड है रॉयल जायंट. अगर आप रिवर्स से दो टाइल पीछे फिशरमैन को इस प्लेसमेंट पे प्लेस करेंगे तो आपको राइट हैंड टावर से लेफ्ट हैंड टावर को पुल कर सकते हो. और यही प्लेसमेंट अगर आप लेफ्ट हैंड टावर से रॉयल जायंट आ रहा है तो राइट हैंड टावर को पुल कर सकते हो. इधर थोड़ा फिजिक्स अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे न्यूटन की थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. रिवर्स से दो टाइल पीछे इस प्लेसमेंट पे फिशरमैन को प्लेस करेंगे तो आपको रॉयल जायंट को राइट हैंड टावर को भी पुल कर सकते हो, जैसे आप अभी देख सकते हो. और मैं जितना बोलता हूँ उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. एक बार फ्रेंड्स लोग से या प्रैक्टिस करके आप ज़रूर देख लो, एक दो ट्राई में आपको हो जाएगा. And the next card is the Elixir Golem, guys. We will cycle our cards until my enemy gets Elixir Golem in his hand. So if you place your fisherman like this, you can deny all the damage from the Elixir Golem, and you will get 4 Elixir from the Elixir blobs, and you can make huge counter push out of the Elixir. नेक्स्ट कार्ड इज गॉबलिन बैरल. अगर आपके लेफ्ट साइड प्रिंसेस टावर को गॉबलिन बैरल आ रहा है तो आपको किंग टावर के पीछे से ऑपोजिट लेन पे पीछे से फिशरमैन को डालना पड़ेगा, जैसे आप अभी देख रहे हो. अगर आप इस प्लेसमेंट पे प्लेस करोगे तो एक गॉबलिन को पुल करेगा और वो गॉबलिन किंग टावर एक्टिवेट करेगा. एंड अगला कार्ड है जायंट स्केलेटन. You can activate your king tower without taking any bomb damage from the giant skeleton. It looks like he will get the bomb damage, but king tower activate hoga. And agla card hai giant. Agar aapko sahi timings pe fisherman place kiye to ek hit bhi nahi milega giant se. मेरा 1 सेकेंड मे बी अर्ली था. अगर आप सही टाइमिंग्स पे प्लेस किए तो एक हिट भी नहीं मिलेगा. एंड द सेम प्लेसमेंट गोज टू इफ द जायंट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट लेन, यू हैव टू प्लेस योर फिशरमैन 1 टाइल राइट टू द किंग. एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द आपको इस प्लेसमेंट पे प्लेस करना चाहिए. एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द रॉयल हॉक्स. एंड इस प्लेसमेंट पे फिशरमैन को प्लेस करेंगे तो आपको एक रॉयल पुल करेगा फिशरमैन, एंड ही विल एक्टिवेट किंग टावर. एंड आपको डैमेज रॉयल हॉक्स को टारगेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो जब किंग टावर पे पास आएगा तो दोनों टावर मिलके उसको मार देगा. एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द गॉब्लिन जायंट, व्हिच इज रियली स्ट्रांग विद द स्पार्की एंड द गॉब्लिन जायंट डबल प्रिंस. सेम प्लेसमेंट लाइक हॉग जायंट, गॉब्लिन जायंट. बस स्पीयर गॉब्लिन्स विल टारगेट द प्रिंसेस टावर, बट गॉब्लिन जायंट विल स्टैब द प्रिंसेस टावर. एंड अगला कार्ड है गाइस वॉल्करी. ये प्लेसमेंट फिशरमैन का ऑलमोस्ट जायंट एंड हॉग एंड वॉल्करी एलेक्सा गोलम या गोलम सबको एक ही प्लेसमेंट पे काम चला जाता है अगर एक बार आप कैच किए तो. एंड अगला कार्ड है मेगा नाइट. आपको एक जंप लेने के बाद आपको फिशरमैन को प्लेस करना चाहिए, नहीं तो मेगा नाइट किंग टावर को एक्टिवेट नहीं करेगा. अगला कार्ड है एग्जीक्यूशनर. अगर आप प्रिंसेस टावर से एक टाइल लेफ्ट पे प्लेस करेंगे तो आपको किंग टावर एक्टिवेट कर सकते हैं.
अगला कार्ड है गाइस बॉलर, सेम प्लेसमेंट लाइक एग्जीक्यूशनर। अगर आप इस प्लेसमेंट पे प्लेस करेंगे तो आपको ग्रेवयार्ड के सामने बहुत एडवांटेज मिलेगा। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द रैम राइडर। यू हैव टू टेक वन डैश फ्रॉम द रैम राइडर। इफ़ यू प्लेस योर फिशरमैन टू अर्ली, ही वोंट पुल द रैम राइडर और एल्स शी विल डाई टू अर्ली। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द डार्क प्रिंस। किंग टावर के एक टाइल लेफ्ट पे फिशरमैन को प्लेस करना पड़ेगा। आपको जो बॉक्स दिख रहा है ना, मैं उसको ही टाइल करके बुला रहा हूँ, आपको वो याद रखोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। एंड न्यूटन के लॉ को भी अच्छा रख याद रखोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। एंड हियर यू माइट गेट अ फीलिंग दैट फिशरमैन वोंट पुल द डार्क प्रिंस, बट ही विल पुल द डार्क प्रिंस एंड डार्क प्रिंस विल बी एबल टू एक्टिवेट द किंग टावर। एंड दैट्स हाउ द मैकेनिक वर्क्स। एंड गाइस माइनर से भी आपको किंग टावर एक्टिवेट कर सकते हैं, ओनली इफ द माइनर इज प्लेस्ड इन द बैक नॉट इन फ्रंट। एंड दिस टाइम वी आर नॉट गोइंग टू पुल एनी कार्ड्स विद द फिशरमैन, बट वी विल एक्टिवेट अवर किंग टावर। यू माइट बी वंडरिंग हाउ, एंड सम ऑफ यू गाइस माइट ऑलरेडी नो इट। यस, वी आर गोइंग टू एक्टिवेट अवर किंग टावर विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रो ड्रैगन। आपको किंग टावर के नियर फिशरमैन को प्लेस करना चाहिए। एंड एज यू गाइस नो, इलेक्ट्रो ड्रैगन टारगेट्स 3 यूनिट्स एट अ टाइम, एंड इस प्लेसमेंट पे प्लेस किए तो किंग टावर एक्टिवेट हो। एंड लास्ट कार्ड है गोलम। अगर आप सही टाइमिंग्स पे मतलब आपका फिशरमैन को प्लेस करेंगे तो आपको 1 रुपए का डैमेज भी नहीं मिलेगा, जैसे आप अभी देख सकते हो। मतलब समटाइम्स गोलमाइट्स प्रिंसेस टावर को कनेक्ट हो सकती है, पर आप सही टाइमिंग्स पे आपके फिशरमैन को ऐसा प्लेस किए तो 1 भी डैमेज नहीं मिलेगा। एंड द लास्ट कार्ड इज द मैजिक आर्चर गाइस। यू हैव टू प्लेस योर फिशरमैन लाइक दिस एंड यू हैव टू पुल हिम बिफोर ही क्रॉसेस द ब्रिज। इफ ही क्रॉसेस द ब्रिज ही वोंट बी एबल टू शूट हिज मैजिक एरोस टू द। एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, एंड अगर मैं कुछ टिप्स भूल गया तो कमेंट्स पे ज़रूर बता दिया मुझे कौन सी टिप फिशरमैन से यूज़ करना भूल गया। एंड शेयर विथ योर क्लास फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग मी, इट इंस्पायर्स मी टू डू मोर वीडियोज। एंड कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लाइक करने से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आप ज़्यादा लाइक करेंगे तो मे बी अदर क्लैश रॉयल प्लेयर के यूट्यूब टाइमलाइन में हमारे वीडियोस या रेकमेंडेड में आ जाए, ऐसा कुछ यूट्यूब एल्गोरिथम वर्क्स लाइक दिस। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।